हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं बनाऊंगी चटनी। आज मैं पुदीना लेके आए थे, कल हम सब्जियां लेने गए थे ना, और वहाँ पे हॉस्पिटल भी जाना था, चिराग को दवाई लेके आनी थी, तो फिर वहाँ पे मिल रहा था पुदीना और हम पुदीना लेके आए हैं, और साथ में जो भी ग्रीन ग्रीन होता है, जो प्याज, प्याजा की भूकॉई, सेव और धनिया और सौंफ, यस वो सब लेके आए हैं, उसकी मैं चटनी बनाऊंगी। बहुत मन हो रखा था, इतने टाइम से हमने ये सब चटनी चुटनी खाई नहीं है, तो आज मैं बनाऊंगी। तो अभी मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया और मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि टमाटर की जगह ना मैं वो जो होती नहीं है सूखे आम की, अमचूर होता है बुकड़ियाँ तितते, जो मतलब उसका पाउडर बना के उस तरह से उसको यूज़ करूँगी, अच्छा लगेगा। तो बस अब मैं ये कर लेती हूँ। मुझे ना इसको कल रात को ही वॉश कर लेना चाहिए था चिराग के साथ, क्योंकि चिराग की हेल्प हो जानी थी, लेकिन अब मुझे अकेले करना पड़ेगा। और अकेले पता ही क्या होता है, ये जो हम बाहर से लिया तो बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है इसमें, बहुत ही ज़्यादा, तो इसको कम से कम 5-6 बारी तो वॉश करना ही पड़ता है। तो अब मैं ये परात लेके आई हूँ, परात में डालूँगी और फिर करते हैं भाई वॉश। यहाँ पे भून रही हूँ मैं अमचूर के लिए, ये जो सूखे आम का होता है ना, ये कर रही हूँ मैं। वैसे तो हम इसको जैसे कि अभी तेल में किया ना, थोड़ा सा फ्राई मतलब बिल्कुल मामूली सा तेल डालते हैं, ताकि ये थोड़ी सी करारी जैसी हो जाए, सॉफ्ट जैसी हो जाए। तो मेरे ना एक बाइट ली थी चपाती की, तो इसलिए मिर्ची लग रही है, मैंने मिर्ची भी खाई थी साथ में। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, तो इसके बाद फिर जब ये ठंडी हो जाती है तो हम इसको ग्राइंड कर देते हैं, लेकिन आज मेरा मन है कि मैं ना कोई भी चीज़ ग्राइंड करके ना यूज़ करूँ, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको जैसे कुंडी में इसको पीसूंगी, लेकिन पता नहीं पीस होगी या नहीं, लेकिन मैं ट्राई करूँगी। इस तरह मैंने आज मॉर्निंग में सब्जी बना दी थी, क्योंकि फिर यार टाइम भी मिलता है। आजकल मेरी सब्जी या तो 2 ही टाइम बन रही है, तो 1 ही टाइम बन रही है। और अब मेरे ये ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ये देखो ये हो चुके हैं। तो अभी मैं सारा सामान बाहर लेके आ गई हूँ, इसमें मैंने ये थोड़ा थोड़ा काट दिया है मोटा मोटा, और ये मेरी बुकड़ियाँ गई थी सूखी, और मैंने एक इसमें ट्राई की थी और पिस गई थी अच्छे। तो अब मैं इन सबको पीस लेती हूँ, देखती हूँ कितना काम होता है, और अपना फ़ोन रख देती हूँ मैं यहाँ पर। यार बहुत टाइम लग रहा है, और सच्ची में यार मेरे को लगता था बहुत ईजी है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है यार इसमें कूटना। पुराने ज़माने में सोच रही हूँ मैं, लोग कैसे करते थे यार, ये तो हमें अब अक्कल आई है यार। और मैं ना धीरे धीरे ये सारी चीज़ें छोड़ रही हूँ, जैसे कि हम मिक्सी का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल, कोशिश कर रहे हैं इनको धीरे धीरे जितना हो सकता है हमसे। इसका फ़ोन आ रहा है फिर से, फ़ोन अच्छे से हो गया ना। तो ये मैंने कुंडी में पीस लिया है, और यार अच्छा जैसा मिक्सी में होता है ना वैसा नहीं हुआ मेरे से, मैंने बब्बा कोशिश की लेकिन मेरे से नहीं हुआ, लेकिन चलो इतना भी ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें ना वो जो मैंने अमचूर पीसा हुआ है वो डाल दूँगी, ये डाल दूँगी मैं अमचूर, इसमें मैंने पूरा ही डालना है, इसलिए मैंने चम्मच ही लगा दिया इसके साथ, ऐसे ही उड़ेल देती हूँ। और मेरे मुंह में सीरियसली बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, नमक भी मैंने डाल दिया है इसमें, और साथ में जो मैंने जीरा लिया था ना वो भी पीस दिया है, वो भी कूट दिया है। और ये यहाँ पे मैं पीस रही हूँ चीनी, और चीनी के साथ ना मैंने मिर्ची भी डाल दी है, क्योंकि मिर्ची मैंने एक ही डाली थी और उसमें बिल्कुल भी मिर्ची नहीं थी। तो अब ये सारा मैं एक साथ ही कूट रही हूँ, और 2 बजने वाले हैं, मैंने अभी तक चिराग के लिए चपाती भी नहीं बनाई है। तो फाइनली मेरी चटनी बनके तैयार हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, सच में यार काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है ये, मेरे तो मुंह में पानी आ गया है। मैंने इसमें चीनी भी डाली, नमक भी डाला, चीनी मेरे को थोड़ी सी डालनी थी तो इस वजह से थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा खट्टी भी नहीं है, ज़्यादा मीठी भी नहीं है, ठीक ठीक है, लेकिन चलो बन गई। अब हम इसको खाएंगे और इसका मज़ा लेंगे, और इसमें खुशबू कमाल की है, ये देखो शाबाश मेरा बच्चा। फोन बंद कर दे इसको, बंद करो फोन को, चला जा खाना खाना है।
तो अभी ओवू आ गई है स्कूल से, मैं अभी अभी जस्ट इसको लेके आई हूँ, 10-15 मिनट हुए। अब मैं इसको खाना खिला लेती हूँ। इसका खाना आज मैंने पता क्या बनाया है, मैंने देसी सब्जी बनाई है जो कि हमारे हिमाचल में लगती है। इसको हमारे पहाड़ी में बोलते हैं क्या हूँ, बाकी मेरे को नहीं कुछ और नाम पता। तो ये बना रही हूँ और इसमें बहुत बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में आयरन होती है। इसके अलावा कुछ और होता होगा तो मेरे को नहीं पता। तो बस अभी अभी ये ताज़ी ताज़ी चपाती बनाई है, मैं ओबू को खाना खिला ली और फिर इसको सुलाना भी है, नहीं तो फिर ये लेट हो जाती है। और रोज़ आजकल इसकी रूटीन फिर से, वैसे ठीक हो गई थी, रात को सो जाती थी ना, जैसे कि ठीक रूटीन हो गई थी इसकी, जैसे सो जाना इससे मतलब 10 बजे, और फिर से 12 बजा देती है, फिर से फ़ोन पकड़ लिया, चल आज बाय 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 ओवी बोल दो, खाना खा लेता हूँ। ओवी ले और बताना कैसी बनी है, सच सच बताना कैसी बनी है, ठीक है। ओवू वॉशरूम गई है कि मम्मा मेरे को सुसु आया है, यहाँ पे काम कर रही थी और देखो यहाँ पे उसका मन नहीं था, तो देखो 7 कैसा लिखा, 3 कैसा लिखा, और ये सारा मैंने रब किया, ये भी सारा रब किया, इसका मन नहीं था, यहाँ तक तो इसने कर लिया, वापिस ही नहीं आ रही। ओवू जल्दी कर, मेरे को गाया है गाना। ओ आज मैं प्यारी कर लूं, आज मैं क्यों मारूंगी, मैं नहीं मारूंगी, गाली बच्चा बनना है। देख देख हम नहीं पढ़ेंगे, मत पढ़ तू, आज मैं चली आऊंगी, मैंने चली आना नानी के घर, फिर लड़ना पता। okay. ये जो बुलवा रहे हो ना तुम इससे चिराग, मम्मियों को कमरे छोड़ो, मम्मियों के किचन जाओ, मैंने खाना ही नहीं बनाना जब तक आप स्कूल का होमवर्क फिनिश नहीं करोगे। आज और वो उन्हें देखो उल्टा पजामा पहना है, इधर जरा पीछे मुड़ना, पीछे मुड़ना। ये कहाँ गया इसका नाड़ा, वो देखो वो निकाला। आ जा मेरा हनुमान, आ जा। ये पहले से उल्टा था, मैंने तो खुला ही नहीं है। अरे इसने ही पहना है, ये खुद पहना है इसने पजामा। और वो देखो वो का डॉक्टर सेट, ये इसने अपने बर्थडे पे लिया था। बड़े नहीं करूंगा, नहीं करेगा पढ़ाई, भूत ही बने रहना, बनी रहता भूत, भूत नहीं बोलूं मुझे आज के बाद, भूतनी हो आप, भूतनी। और ये जो था ना, ये मैं बड़े पहले का लिया था, यहीं से जब चमकौर में वो मेले होते हैं ना तब लिया था ये। और ओबू ने देखो इसमें क्या क्या डाल दिया है, अपना टेडी डाल दिया जिसकी एक आंख नहीं है, और उसके ऊपर देखो ये जो बाल बाल दिख रहे हैं ना आपको, ये डॉल है, डॉल को डाल दिया है इसने। ये देखो ओबू कितने फास्ट अपना होमवर्क फिनिश कर देगा। और ये पता क्या बोलती है, इसका नाम है ओलाफ, शट अप, ओलाफ है इसका नाम। तो इसको बोलती है कि ये मैं हूँ, को बोलती है ये टोजू है और ये वो है। नहीं 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 मैं हूँ। ये क्या लगाया है तूने? ये स्कीटर है। स्कीटर की स्टिकर? बेटू देखो आप बर्बाद कर दोगे, ये खराब हो जाएगा, फिर ये चीजें नहीं मिलती है बेटा बार बार। इसको दिखा देते हैं कि ओवू देखो कितने अच्छे से करती है, कि आप सभी के बच्चे भी इतने अच्छे से अपना होमवर्क करते हैं हमें कमेंट करके बताना। ओवू बोल दे इनको, गाइस आप भी अपने बच्चे को ऐसे पढ़ाते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। वाह वाह मेरा मुन्नू, मैंने तो कमेंट बोला और इसने लाइक और सब्सक्राइब बोल दिया। इधर आ, मेरे को एक इशू करते हैं।